गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. आई एम रजनी सैनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर ईवीएस सब्जेक्ट टीचर. स्टूडेंट्स, क्रीपी क्रोलीज, रेंकर डराने वाले एनिमल्स के बारे में हम लोग रीड कर रहे थे कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो रेंकर चलते हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और जिनके पंख होते हैं. कल हमने रीड किया था वर्म्स, कीड़े, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे. अर्थवर्म, जिसको कहते हैं केचुआ, कैटरपिलर, मिलीपैड्स और सेंटीपैड्स, इनके खूब सारे पैर होते हैं, बहुत से पैर होते हैं और इनकी ट्यूब जैसी बॉडी होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, इनमें हड्डियां नहीं होती है. आज हम रीड करेंगे स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन. स्पाइडर, मकड़ी. स्पाइडर मीन्स मकड़ी, जो हमारी दीवार के ऊपर जाला बुनती है, और स्कॉर्पियन, बिच्छू. स्कॉर्पियन बिच्छू. देखिए, इनकी पिक्चर भी आपको अपनी बुक में दिखाई गई है. स्पाइडर, मकड़ी और स्कॉर्पियन, बिच्छू. स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर नाइदर इंसेक्ट्स नॉर वर्म्स. देखिए, स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये ना तो इंसेक्ट आते हैं और ना ही कीड़े की तरह होते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं. दे हैव एट लेग्स. इनके कितने लेग्स होते हैं? एट. आठ पैर होते हैं दोनों के. इनके एट लेग्स. एट लेग्स होते हैं. स्पाइडर कैच देयर प्रे बाई ट्रैपिंग इट इन द स्पाइडर वेब विच इज मेड बाई ए काइंड ऑफ सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम देयर स्टमक. देखिए, जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है, ये कैच करती है अपने प्रे, पी आर ई वाई, प्रे मीन्स शिकार, अपने शिकार को कैच कर लेती है. जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है उसको पकड़ लेती है. प्रे बाय ट्रैपिंग, ट्रैप करना, उसको कैच कर लेती है, उसको पकड़ लेती है. इट इन द स्पाइडर वेब. वेब मीन्स जाला, अपने जाले में पकड़ लेती है. वेब इज इट मेड बाय, और ये किसका बना हुआ होता है ये जो जाला? ए काइंड ऑफ सिल्क, सिल्क के जैसा बना हुआ होता है. बहुत ही, हमने अपने घर में जाले देखे हुए होंगे, बिल्कुल धागे के समान, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है. सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम देयर स्टमक. सिल्क प्रोड्यूस, उत्पादित होना, स्टमक, पेट में. स्पाइडर के पेट में एक सिल्क प्रोड्यूस होता है, निकलता है, उसी से क्या बनाती है? जाला बुनती है. स्पाइडर है, समझ में आ रहा है कि जाले जो बनते हैं हम अपने दीवार पे देखते हैं, वो जाले कहाँ से बनते हैं? कहाँ से बनते हैं? स्पाइडर जो है उसके स्टमक से सिल्क निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसी से क्या बनाया जाता है? जाला बुनती है और उसमें अपने शिकार को पकड़ लेती है. जैसे चींटियां होती है, मक्खी मच्छर होते हैं, उनको वो उसमें फंसा लेती है और वो उससे नहीं निकल पाते हैं, उनमें उनके पैर है वो चिपक जाते हैं. तो हमने मकड़ी का जाला सभी ने देखा होगा, तो उसके बॉडी से, स्टमक से, उसकी पेट से एक चिपचिपा सा सिल्क निकलता है, उसको सिल्क कहते हैं, उसी से वो अपना जाला बुनती है. स्कॉर्पियन है वे शार्प स्टिंग. स्कॉर्पियन जो होता है, बिच्छू जो होता है, उसके पास डंक होता है, शार्प स्टिंग. स्टिंग मीन्स डंक होता है, एट द एंड ऑफ देयर टेल,
और वो कहाँ होता है? एंड ऑफ देयर टेल, टेल मीन्स पूंछ, उसकी पूंछ के पीछे होता है। विच दे स्टिंग और बाइट, जिससे वो स्टिंग करता है, बाइट करता है, काट लेता है, डंक मार देता है। ठीक है, स्टिंग काटना और डंक मारना। तो स्कॉर्पियन जो होता है उसकी जो टेल होती है, उसकी जो पूंछ होती है, उसके ऊपर क्या होता है? डंक होता है, और वो काटता है और डंक मारता है, स्कॉर्पियन बिच्छू। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यूज ऑफ इंसेक्ट। ये जो इंसेक्ट हैं, ये हमारे लिए कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, जिनकी हमें जरूरत होती है। यूज ऑफ इंसेक्ट, देखिए, इंसेक्ट्स हेल्प अस इन मैनी वेज। कई तरीकों से इंसेक्ट है वो हमारी हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, जैसे हनी बी होती है, मधुमक्खी जो होती है, सेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वो फ्लावर से, फूलों से क्या चूसती है? फूलों का रस, फूलों का मधु चूसती है। दे मेक हनी, और उससे क्या बनाती है? हनी, शहद तैयार करती है। विद दिस नेक्टर, अपने इस नेक्टर से, फूलों के रस से वो शहद तैयार करती है। वी यूज हनी फॉर सेवरल पर्पज। हम इस हनी का यूज, शहद का यूज है वो, सेवरल मीन्स कई उद्देश्यों के लिए, पर्पज के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें जो हनी मिलता है वो हनी बी से मिलता है। तो हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है, वो हमारे लिए यूजफुल एनिमल है, इंसेक्ट है, हनी बीज, मधुमक्खी, ये हमारे लिए हनी तैयार करती है, शहद तैयार करती है, जिसका यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं। बीमार हो जाते हैं तभी भी हम हनी का यूज करते हैं। ठीक है, हनी क्या होता है? शहद, जो दवाई वगैरह में, मेडिसिन में भी काम में लिया जाता है। सर्दी खांसी जुकाम होती है तब भी हम इसके काढ़े बनाने में और उसमें यूज लेते हैं। तो हनी भी है वो एक यूजफुल इंसेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, तितली, बम्बल बी, भंवरा। बम्बल बी, भंवरा, जिसकी पिक्चर हमें बुक में दिखाई दी हुई है, हनी बी, बटरफ्लाई और बम्बल बी। एंड सम अदर इंसेक्ट्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन, पराग के कण, यानी एक जगह से एक फूल पे बैठ के दूसरे फूल पर जाके बैठती है, तो ये अपने साथ, अपने पैरों के नीचे पोलेन ग्रेन, पराग के दाने ले जाती है और दूसरे फूलों पर छोड़कर आती है। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल पर जो पोलेन ग्रेन है वो ये करती है। क्या है कि एक बीज एक फ्लावर पे बैठेंगी, बैठती है वहां पे, तो इनके पैरों के नीचे उस फ्लावर के कुछ बीज, कुछ कण है वो उनके पैरों पे चिपक जाते हैं। ये जो हनी बीज हैं, भंवरा है, बम्बल बी है, बटरफ्लाई है, ये उन पे बैठती हैं, तो इनके पैरों के नीचे वो जो फूलों के जो पराग कण होते हैं वो चिपक जाते हैं और फिर दूसरी जगह पे ले जाके उनको ट्रांसफर कर देती है। तो पराग कण एक जगह से पोलन ग्रेन में भी ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, वी गेट सिल्क। हमें जो सिल्क मिलता है फ्रॉम द काकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये काकून, सिल्क वॉर्म एक सिल्क का कीड़ा होता है जिससे काकून बनता है, और उसी काकून से क्या तैयार होता है? सिल्क तैयार होता है। तो सिल्क वॉर्म जो है एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो ये सिल्क वॉर्म हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इससे क्या मिलता, बनता है? सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, सिल्क का कीड़ा, और इससे क्या तैयार होता है? सिल्क, सिल्क क्लॉथ्स बनते हैं। तो सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है, ये हमारे लिए यूजफुल है। और जो काकून है उसी से सिल्क
बनता है और ये सिल्क वॉर्म के स्टमक से ही निकलता है। काकून, सिल्क का कोवा जिसको बोलते हैं, एक वाइट वाइट कलर का चिपचिपा सा निकलता है उसकी बॉडी से और उसी से सिल्क तैयार होता है। नेक्स्ट देखिए अर्थवार्म। अर्थवार्म केचुआ, ये कुछ इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। अर्थवार्म अर्थवार्म केचुआ ये भी हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट है। मेक द सॉइल फर्टाइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, ये हमारी मिट्टी को फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाता है। फर्टाइल फर्टाइल उपजाऊ, FERTIL, फर्टाइल। अर्थवार्म मेक द सॉइल फर्टाइल, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी सॉरी हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाता है, क्योंकि इसकी बॉडी से जो ये नीचे जमीन और पत्ते जो खाता है, उससे खाने के बाद इसकी जो खाद होती है वो बहुत अच्छी होती है पेड़ पौधों के लिए, मिट्टी के लिए। तो ये खाने के बाद में जो वेस्ट निकालता है वो खाद इसकी बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है मिट्टी के लिए। तो अर्थवार्म एक यूजफुल इंसेक्ट है, ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो ये हमने रीड किए कुछ यूजफुल एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए ब्रशअप। इस चैप्टर में देखिए द ग्रुप ऑफ क्रीपी क्रोलीज इंक्लूड इंसेक्ट। क्रीपी क्रोलीज जो रेंग कर डराते हैं उनमें इंसेक्ट भी शामिल है, स्पाइडर, अर्थवार्म और स्कॉर्पियन भी इसमें शामिल होते हैं, जो हमें जिनको देखते ही डर लगता है। यस बेटा, यस। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब इसका एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 54। 54 बी मॉस्किटो कॉकरोच एंड आंट एंड वास्प आर सम कॉमन इंसेक्ट। ये कुछ इंसेक्ट हैं। वार्म्स आर लॉन्ग क्रिएचर विद नो बोन्स। वार्म्स जो कीड़े होते हैं वो लंबे जानवर होते हैं और इनके बोन्स नहीं होते हैं, ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन हैव 8 legs। इंसेक्ट्स के हमने 6 legs रीड किए थे और जो स्कॉर्पियन और स्पाइडर होती है उसके कितने लेग्स हैं? 8 legs। सम इंसेक्ट्स आर हार्मफुल एंड सम आर यूजफुल। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ ऐसे इंसेक्ट भी रीड किए हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जैसे हनी बी, वो हमारे लिए शहद तैयार करती है, सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है, और अर्थ वार्म जो है केचुआ है वो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसलिए कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो यहाँ हमने रीड किए क्रीपी क्रोलीज, रेंग कर डराने वाले जानवर, कुछ से हमें डर लगता है और कुछ से नहीं लगता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। टिक द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट्स हैव। इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? अभी भी मैंने बताया था, बताइए। इंसेक्ट्स हैव लेग्स, कितने लेग्स होते हैं? 6। वेरी गुड। नंबर फर्स्ट में बी ऑप्शन 6, इंसेक्ट्स हैव 6 legs, 6 को टिक करेंगे। नंबर टू, विच ऑफ दीज मेक द सॉइल फर्टाइल। इनमें से कौन है जो सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है? अभी मैंने आंसर बताया था, बताइए। मैम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, वेरी गुड। ई ए आर टी एच अर्थ, डब्ल्यू ओ आर एम, अर्थवॉर्म। केंचुआ है वो हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट नंबर थ्री, विच ऑफ दीज मेक हनी फॉर अस। हनी इनमें से हमारे लिए कौन बनाता है?
हनी बी वेरी गुड हनी बी नंबर बी ऑप्शन हनी बी को टिक करेंगे जो मधुमक्खियां होती हैं वो हमारे लिए शहद तैयार करती हैं हनी बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है नंबर ए ए स्पिन ए वेब स्पिन मींस बुनना वेब मींस जाला जाला कौन बुनती है बताइए अभी मैंने बताया स्पाइडर स्पाइडर वेरी गुड जाला कौन बुनती है स्पाइडर नंबर ए में लिखेंगे स्पाइडर मकड़ी एस पी आई डी ई आर स्पाइडर मींस मकड़ी है वो वेब बुनती है जाला बुनती है नंबर बी हैव फिलर्स कॉल्ड एंटीना किसमें फिलर्स होते हैं जिसको एंटीना भी कहते हैं किसमें होते हैं इंसेक्ट में होता है जैसे हमने कॉकरोच रीड किया था तो कॉकरोच के क्या होता है फिलर्स होते हैं सिर के ऊपर दो एंटीना खड़े रहते हैं उसको एंटीना कहते हैं फिलर्स तो यहाँ है नंबर बी में इंसेक्ट इंसेक्ट्स नेक्स्ट देखिए सम इंसेक्ट्स कुछ इंसेक्ट हमें क्या करते हैं कुछ इंसेक्ट हमें क्या करते हैं बाइट एंड स्टिंग बाइट एंड स्टिंग बी आई टी ई बाइट मीन्स काटना कुछ हमें काट लेते हैं और स्टिंग एस टी आई एन जी स्टिंग मीन्स डंक मारना और कुछ हमें डंक भी मार देते हैं बाइट एंड स्टिंग कुछ हमें काटते हैं और कुछ डंक मारते हैं हनी बी शक हनी बी क्या चूसती है फ्रॉम फ्लावर फ्लावर से फूलों से हनी बी क्या चूसती है शहद शहद नहीं शहद तो बाद में तैयार करती है नेक्टर फूलों का रस नेक्टर नेक्टर तो चूसती है फ्लावर से और उसके बाद वो शहद तैयार करती है इसको इकट्ठा करके एन ई सी टी ए आर नेक्टर नेक्टर फूलों का रस या फूलों का मधु भी जिसको कहा जाता है मेक द सॉइल फर्टाइल कौन मिट्टी को फर्टाइल बनाता है उपजाऊ बनाता है अभी में भी आया था अर्थवार वेरी गुड ई ए आर टी एच अर्थ अर्थ मीन्स पृथ्वी और वार मीन्स कीड़ा अर्थवार पृथ्वी का कीड़ा होता है जिसको केंचुआ कहते हैं केंचुआ मेक द सॉइल फर्टाइल अर्थवर्म मेक द सॉइल फर्टाइल मैच द फॉलोइंग इनको मैच करना है कुछ इंसेक्ट हमें दिए हुए हैं और वो क्या करते हैं देखिए नंबर ए कौन है नंबर ए पे किसकी पिक्चर है हनी हनी पिक्चर किसकी है ये हनी हनी बी हनी बी जो होती है वो क्या तैयार करती है हनी शहद तैयार करती है नंबर ए को किससे मैच करेंगे हनी से हनी जो हनी भी है वो हनी तैयार करती है शहद तैयार करती है नेक्स्ट देखिए नंबर बी कौन है इसको क्या कहते हैं
कौन है ये? पिक्चर देख के बताइए, पीछे भी आई थी पिक्चर, आई थी ना? टेरेमाइट, टेरेमाइट, दीमक है ये, दीमक, टेरेमाइट। और ये क्या करती है दीमक, क्या करती है? फर्नीचर को डैमेज करती है। वेरी गुड, फर्नीचर को डैमेज कर देती है। डैमेज फर्नीचर, एफ यू आर एन आई टी यू आर ई, फर्नीचर। जो टेरेमाइट होती है वो हमारे फर्नीचर को खा जाती है, टेबल, कुर्सियां, मेज। नंबर सी कौन है? लीक, लीक। लीक जो होती है वो क्या करती है? हमारे सर में अगर हो जाए तो हमें बहुत खुजली आती है, हमारी स्किन है वो रेड हो जाती है, ठीक है? और ये हमारा ब्लड है वो चूसती है। ये किसका कारण बनती है? कॉज इचिंग, इचिंग मीन्स खुजली, इससे इचिंग आती है एंड रेडनेस, हमारी जो स्किन है वो रेड हो जाती है। नंबर डी कौन है? किसकी पिक्चर? स्पाइडर। और स्पाइडर हैव एट लेग्स। और किसके एट लेग्स होते हैं? स्पाइडर एंड, थोड़ी देर पहले ही बताया था स्पाइडर, और एक एग्जांपल और बताया था, इन दोनों के एट लेग्स होती हैं। बताओ जल्दी फटाफट, बुक आपके पास है? मॉस्किटो, मॉस्किटो हैव सिक्स लेग्स। हमने टू एग्जांपल देखे थे, स्पाइडर एंड एक एग्जांपल और देखा था जिसके एट लेग्स होते हैं। अब भी जस्ट इससे पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा था जिन दोनों के एट लेग्स होते हैं। फिर हमारा ध्यान कहाँ है? मैम बिच्छू। वेरी गुड, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन हैव एट लेग्स, ध्यान में रखना। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, मकड़ी और बिच्छू के एट लेग्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा देती हूँ और इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज ए काकून? काकून क्या होता है? तो काकून इज ए सिल्की कॉज स्पून बाय द लार्वा ऑफ मैनी इंसेक्ट्स फॉर प्रोटेक्शन एज प्यूपा। देखिए क्या होता है ये काकून, ये जो सिल्क वाम होता है, सिल्क का जो कीड़ा जो होता है, कीट जो होता है, ये अपनी बॉडी से सिल्की का स्पून, एक सिल्क का सा एक धागा है वो इसकी बॉडी से निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? लार्वा, जिसको कहते हैं लार्वा of many insects for protection as pupa. मैम डी किस? यस बेटा, डी मैच किस? डी नंबर एट लेग्स, स्पाइडर है, स्पाइडर को वन से मैच कर दो, वन नंबर से मैच करो, एट लेग्स। काकून इज ए सिल्की कॉज स्पून बाय द लार्वा ऑफ मैनी इंसेक्ट फॉर प्रोटेक्शन एज ए प्यूपा, इसकी बॉडी से
जो सिल्क वार्म होता है उसके बॉडी से एक चिपचिपा सा सिल्क निकलता है, ठीक है। उससे क्या निकलता है? काकून। और उसी काकून से क्या बनता है? सिल्क बनता है। काकून क्या है? काकून ए सिल्की काज। इसमें कई जो कीड़े होते हैं वो लार्वा को, जो लार्वा इसके अंदर से निकलता है, एक लार जैसा व्हाइट कलर का एक सिल्क का सा चिपचिपा सा कुछ निकलता है सिल्क के कीड़े से, इसके पेट से ही कुछ चिपचिपा सा निकल के गया निकलता है, इसको काता जाता है, जैसे कपड़ा बुनते हैं वैसे ही सूत निकाला जाता है, इसी सूत से क्या बनता है? रेशम का कपड़ा बनता है। नेम टू डिजीज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कौन होती है? हाउस फ्लाई किसे कहते हैं? मैम हाउस फ्लाई। मक्की को बेटा स्पीकर अनम्यूट करके बोलो अच्छे से। मैम मक्की मक्खी जो हमारे घर में रहती है, उससे कौन सी दो बीमारी फैल सकती हैं? कौन सी दो बीमारियां फैलती हैं घर में जो हाउस फ्लाई रहती है मक्खी से? हमने रीड भी किया था, कोलेरा एंड डायोसेंट्री आर टू डिजीज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाईज। कोलेरा और डायोसेंट्री, हेजा और पेचिस जिसको कहते हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं इसमें हमें, तो हाउस फ्लाई है वो कोलेरा और डायोसेंट्री नामक दो डिजीज फैलाती है। नेक्स्ट नंबर सी देखिए, राइट देयर वेज इन विच इंसेक्ट्स कैन बी यूजफुल टू मैन। यहाँ हमें उन इंसेक्ट को बताना है जो हमारे लिए यूजफुल हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट जो आदमी के लिए हमारे लिए यूजफुल हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए, इंसेक्ट लाइक हनी बी, जैसे हनी बी है, सक नेक्टर, वो क्या करती है? नेक्टर चूसती है, फूलों का रस चूसती है, फ्रॉम फ्लावर, फूलों से, दे मेक हनी, और उनसे क्या बनाती है? हनी बनाती है, शहद बनाती है। विद दिस नेक्टर वी यूज हनी फॉर सेवरल पर्पस, और इस हनी का यूज हम कई उद्देश्यों के लिए, कई काम के लिए करते हैं। तो सबसे पहला यूजफुल इंसेक्ट है हनी बी। नेक्स्ट देखिए, नंबर टू, वी गेट सिल्क फ्रॉम द काकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। दूसरा, हमें सिल्क जो वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है उससे हमें सिल्क मिलता है, तो सिल्क वॉर्म भी हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अर्थवार्म। अर्थवार्म मेक द सॉइल फर्टाइल। अर्थवार्म केचुआ जो होता है वो हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है, इसलिए अर्थवार्म भी हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेम टू डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या होता है? किसे कहते हैं मॉस्किटो? मच्छर मच्छर। मच्छर मच्छर है वो कौन सी टू डिजीज फैलाता है? बुक में देख के फटाफट बताइए। मैम डेंगू और डेंगू। मलेरिया। वेरी गुड। डेंगू एंड मलेरिया आर मलेरिया टू डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मच्छर से दो बीमारियां फैलती हैं, डेंगू और मलेरिया। और आज आजकल भी इस मौसम में, बारिश के सीजन में डेंगू है वो बहुत फैल रहा है, तो हमें अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, पूरी साफ सफाई रखनी है, ठीक है। तो मलेरिया एंड डेंगू आर टू डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, ये दो बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब इस चैप्टर में आपको कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। चैप्टर 7 इज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।